किरण सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक जिन की कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ, पता है आप कहेंगे कि हमने तो जिन की कहानी सुनी है, लेकिन मेरी कहानी बहुत अलग है। तो चलो कहानी शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक समंदर किनारे मछुआरा रहता था, जो कि अपने परिवार का गुजर बसर मछलियाँ पकड़ के करता था। लेकिन उसका एक उसूल था कि वो समंदर में सिर्फ 4 बार ही जाल को डालता था, और इस वजह से उसकी माली हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो एक दिन वो मछुआरा सुबह सुबह जल्दी उठकर समंदर किनारे गया और मछली पकड़ने के लिए उसने जाल समंदर में फेंका। जब पहली बार उसने जाल पानी में फेंका और उसे निकालने लगा, तो उसे उसका जाल बहुत भारी महसूस हुआ और उसने खुश होकर जल्दी जल्दी जाल को पानी से बाहर निकालना शुरू किया। और जैसे ही जाल बाहर आया, तो उसने देखा कि उसके जाल में एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा फंसा है, जिसे देखकर वो थोड़ा निराश हुआ और मछली पकड़ने के लिए दूसरी बार पानी में जाल फेंका। दूसरी बार भी उसको उसका जाल भारी महसूस हुआ। उसने बाहर निकाल कर देखा तो अंदर कचरा फंसा हुआ था। और जब उसने तीसरी बार समंदर में जाल फेंका, तो फिर से वो खाली हाथ खड़ा था। अब वह चौथी और आखिरी बार समंदर में जाल फेंकने वाला था, और इस बार जाल फेंकने से पहले उसने ऊपर वाले से दुआ मांगी। हे ऊपर वाले, मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर करता है, इस बार मेरे जाल में मछलियाँ पकड़वा दे, नहीं तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। और यह बोलकर वो चौथी और आखिरी बार जाल को पानी में फेंकता है, और इस बार जब वो जाल को बाहर निकालता है, तो इस बार जाल खाली नहीं आता, बल्कि उसके अंदर कुछ फंसा होता है, और वो था एक सुनहरे रंग का खूबसूरत सा मटका, जिसके ऊपर तरह तरह की नक्काशी की गई होती है। उस मटके को देखकर मछुआरा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज तो उसके हाथ में खजाना लग गया है। तो वह जल्दी जल्दी अपने जाल से उस मटके को अलग कर लेता है और उसे हिला डुला कर देखता है, तो उसे वह मटका बहुत भारी लगता है। यह देखकर वो मन ही मन कहता है, लगता है ये मटका ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा है, आज तो मजा ही आ गया। Yes! और यह कहकर वो मटके का ढक्कन खोल लेता है, लेकिन मटका अंदर से खाली निकलता है, जिसे देखकर मछुआरा बहुत उदास हो जाता है और मटके के सामने बैठकर उस खाली मटके को निहार ही रहा होता है कि अंदर से नीले रंग का एक धुआं बाहर आने लगता है। वह उसे देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है, और देखते ही देखते वो धुआं बढ़ता चला जाता है और एक बड़ा ही डरावना सा जिन उसके सामने खड़ा हो जाता है। और वो जिन निकलते ही कहता है, ए मेरे जिनों के सरदार, मैं आगे से कोई भी खता नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अब उसकी यह हरकत देखकर मछुआरा हंसने लगता है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैं कोई जिनों का सरदार नहीं हूँ, मैं तो एक मछुआरा हूँ, और तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? मछुआरे की यह बात सुनकर जिन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और कहता है, ए गुस्ताख, माफी मांग ले इससे पहले कि मैं तेरा कत्ल कर दूं। यह बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है और कहता है, अरे भाई तुम मुझे क्यों मारोगे, मैंने तो तुम्हें इस मटके से बाहर निकाला है, तुम्हें तो मुझे इनाम देना चाहिए। मछुआरे की इस बात के जवाब में जिन कहता है, इनाम? मैं सिर्फ तुझे एक चीज दे सकता हूँ, वो है मौत। बस मुझे ये बता कि तुझे किस तरह से मारूं। जिनकी यह बात सुनकर मछुआरा बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे वह कहने लगता है, ए जिन मुझे जाने दी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तुझे इस मटके से निकाला, तू मुझे क्यों मारना चाहता है, ये क्या जुल्म है। तो इसके जवाब में जिन मछुआरे को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ तो सुन, आज से 400 साल पहले मैंने जिनों के राजा से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उसने मुझे सजा के तौर पर इस सुंदर सी मटके के अंदर बंद करके समंदर में फेंक दिया। तब मैंने कसम खाई थी कि अगर कोई मुझे बाहर निकालेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन एक सदी बीत गई, किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। तब मैंने सोचा कि अगर अब कोई मुझे बाहर निकालेगा तो मैं उसे
राजा बना दूंगा। दूसरी सदी भी बीत गई और मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला। इसके बाद तीसरी सदी भी ऐसे ही बीत गई। तब मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने कसम खा ली कि अब अगर कोई भी मुझे बाहर निकालेगा तो मैं उसे मार दूंगा। अब तू मुझे बता कि मैं तुझे कैसे मौत दूं। अब जीन की यह बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है और उससे बचने के तरीके सोचने लगता है और उसके दिमाग में एक तरकीब भी आ जाती है। तब वो मछुआरा कहता है, अरे जीन भाई क्यों झूठ बोलते हो? तुम इतने बड़े होकर इतने छोटे से मटकी के अंदर कैसे रख सकते हो? तो जीन कहता है, अच्छा तुझे मेरी बात का यकीन नहीं? तो मछुआरा कहता है, यकीन मैं क्या कोई भी नहीं करेगा, इतना बड़ा शरीर और इतने छोटे से मटके में कैसे समा सकता है। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए जेन कहता है, चल मैं तेरा शक दूर कर देता हूँ और तुझे इस मटके के अंदर जाकर दिखाता हूँ, उसके बाद तेरा कत्ल कर दूंगा। और यह बोलकर जेन मटके के अंदर चला जाता है और अंदर जाके कहता है कि अब तो तुझे यकीन हो गया ना? और इसके जवाब सुनते ही मछुआरा मौका पाते ही ढक्कन उठाकर मटके को बंद कर देता है और अच्छी तरह एक कपड़े में बांध देता है और कहता है, हाँ यकीन हो गया, और ये भी यकीन हो गया कि तेरी असली जगह समंदर के अंदर ही है। मैं तुझे वापस समंदर में फेंक रहा हूँ और बाकी लोगों को भी बता दूंगा कि अगर ऐसा कोई मटका मिला तो उसे ना खोले, नहीं तो तू निकलेगा और उनका कत्ल कर देगा। और यह कहकर वह उस जिन को वापिस पानी में फेंक देता है और वह जिन मटके के अंदर रोता रह जाता है। दोस्तों कहते हैं कि आज भी वह जिन उस मटके के अंदर कैद है और समंदर के अंदर ही है। है ना मेरी कहानी थोड़ी अलग? मैंने कहा ही था। तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा किडियान सपनों की उड़ान।